हाय, माय नेम इज़ जकी अंसारी सर। सर, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ और सर मेरा ये क्वेश्चन है कि पहले ऑडिशन दे या फिर एक्टिंग क्लास सीखे। अगर एक्टिंग क्लास सीखे तो हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो पैसे कहाँ से लाए? ओके, इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते सर, तो ये मेरा क्वेश्चन है। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, देखो जाकिर क्या है, ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं माइंड में। दो सवाल इसमें छुपे हुए हैं। पहला ये है कि पहले हम ऑडिशन देना शुरू कर दें या फिर एक्टिंग क्लास जाएं। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी अहमियत समझते हो सीखने की। Yes. ये तो क्लियर है, तभी आपका क्वेश्चन ऐसा आया कि सीखें कि नहीं सीखें, है ना। अब अगर सीखें तो हमारे पास पैसे नहीं है सीखने के लिए, है ना। मुझे एक बात बता दो, कौन सा ऐसा मिडिल क्लास व्यक्ति है जिसने पढ़ाई ना की हो जिंदगी में? सबने की है, मतलब वो सबको मिल जाता है। कौन सा ऐसा मिडिल क्लास आदमी है जो कभी बहुत हाईएस्ट जिसकी फीस होती है उस प्रोफेशन में ना गया हो? डॉक्टर हो गया, IAS हो गया, MBA हो गए, कैस में नहीं गए कभी? कहें क्या कोई मिडिल क्लास आज तक एयर होस्टेस के लिए, कोई बहुत अच्छे दूसरे कोर्सेस के लिए नहीं गया? गए। तो फिर एक्टिंग में आते ही वो क्वेश्चन मार्क क्यों आता है? सर उसका जवाब दूसरा। हाँ हाँ सर, उसका जवाब ये है कि हमारे माँ बाप को ये लगता है कि उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। राइट। और इसमें के ये बोलते हैं कि अगर करना है तो अपने खुद पे करो, नहीं तो हम पैसे नहीं देंगे। सर ये क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि पैसा प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर? पहले मैं ये क्लियर करना चाहता कि सर, पैसा, पैसा या फीस प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है वो पेरेंट्स का माइंडसेट, सोसाइटी का माइंडसेट कि हाँ डॉक्टर की अगर पढ़ाई करेगा तो कभी ना कभी डॉक्टर बन ही जाएगा, एक आध सेमेस्टर में फेल भी हुआ तो बन जाएगा, बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं बना तो एवरेज डॉक्टर बन के कम पैसे में काम कर लेगा, जॉब कर लेगा, इतना उनको श्योर हो जाता है। इस फील्ड में श्योरिटी नहीं लगती, लेकिन श्योरिटी है नहीं ऐसा नहीं है। 100% श्योरिटी है कि जितनी मेहनत, जितनी शिद्दत के साथ आप किसी दूसरे प्रोफेशन को करते हो, टफ से टफ अगर इसमें भी करोगे तो सक्सेस 100% मिलेगी। उसका रियल लाइफ में एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। है? आज मुंबई में इतना बड़ा सेटअप है किसने दिया? फिल्म इंडस्ट्री ने दिया। अगर पोटेंशियल नहीं होता तो मेरे साथ भी ये हो सकता था, है? और मैं तो 2001 में आया था, तब इतने ऑप्शंस नहीं थे, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। आज तो बहुत बढ़ चुका है, तो चांसेस अब ब्राइटर है। अब इस माइंडसेट को कैसे ब्रेक किया जाए? पहली बात तो यह कि जॉइन फिल्म्स चैनल ने अपने आप में बहुत सारा इस पर काम किया और बहुत लोगों के माइंड चेंज भी हुए। देखिए, इसमें जितनी अपॉर्चुनिटी है किसी में नहीं है, मैं क्लियर करता हूं। किसी भी जगह पे क्या रोज इंटरव्यूज होते हैं? नहीं। ऑडिशन रोज होते हैं? होते हैं? इंटरव्यू नहीं होते। अच्छा, किसी भी जगह पे क्या बहुत सारी जगह पे एक साथ इंटरव्यू चल रहे होते हैं? नहीं। क्या ऑडिशन बहुत सारी जगह पे एक साथ चल रहे होते? चल रहे होते। इसका मतलब अपॉर्चुनिटी है दूसरे प्रोफेशन से ज्यादा है, बस इसको इस नजरिए से देखने की जरूरत है। क्लियर हो रहा है? क्या किसी और प्रोफेशन में कोई किसी भी एज में जा सकता है? नहीं। क्या किसी और प्रोफेशन में चाहे उसने पढ़ाई की हो, नहीं की हो, या कोई भी पढ़ाई की हो, वो एक ही जॉब पे अप्लाई कर सकता है? इसमें कर सकता है। जब आप ऑडिशन देने जाओगे तो भले आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो, बीकॉम की हो, एमकॉम की हो, या साइंस डिग्री हो, तो भी आपसे कोई नहीं पूछने वाला, या आप 12th पास आउट हो तो भी नहीं पूछने वाला, उसको आपकी परफॉर्मेंस से मतलब है। ये? तो कहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा हुई? इंडस्ट्री। सर्टेनिटी कहां पे ज्यादा है? राइट? तो यहां पर ज्यादा है। कहीं ना कहीं जाकिर वो डर आपके अंदर भी है कि होगा कि नहीं होगा। पेरेंट्स के अंदर तो है, लेकिन बींग ए आर्टिस्ट हमारे अंदर भी है। लेकिन अब समझ पा रहे हो, अपॉर्चुनिटीज भरी पड़ी है किसी भी प्रोफेशन से ज्यादा। क्लियर हो रहा है? तो ये मेरे हिसाब से, मेरी नजर से दूसरे प्रोफेशन से ज्यादा पोटेंशियल फील्ड है। ठीक है, इसमें लेकिन दो चीज बहुत जरूरी चाहिए होती है, वो होती है जो दूसरे प्रोफेशन में नहीं चाहिए होती है ना। दूसरे प्रोफेशन में आपके पास डिग्री है, आपको एक बेसिक जॉब मिल जाएगा, उसके बाद आप जैसा परफॉर्म करोगे आप लाइफ में ग्रो करोगे। ठीक है, एक साल में प्रमोशन नहीं मिलेगा, दूसरे साल में मिल जाएगा। लेकिन यहां पर हर बार आपको प्रूफ करना पड़ेगा, हर ऑडिशन में आपको प्रूफ करना पड़ेगा और बेस्ट प्रूफ करना पड़ेगा, जो कि वहां जरूरी नहीं है, क्योंकि
ये दुनिया का बेस्ट प्रोफेशन है, आपको पैसे देता है, आपको फेम देता है, आपको रिस्पेक्ट देता है, और सबसे बड़ी बात जो किसी प्रोफेशन में ज़्यादातर लोगों को नहीं मिल पाती वो है पूरी सोसाइटी में, देश में एक सेल्फ आइडेंटिटी। क्या किसी एक भी डॉक्टर को पूरी दुनिया जानती है? बट शाहरुख खान को पूरी दुनिया जानती है। क्लियर हो रहा है? अमिताभ बच्चन को सब जानते हैं, राजकुमार राव को सब जानते हैं, नवाजुद्दीन को सब जानते हैं, क्योंकि सेल्फ आइडेंटिटी सिर्फ इसी इंडस्ट्री में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। तो कंपटीशन नहीं ज्यादा है, यह भी हमारा डर है। यहां कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, बिकॉज यहां पर आप कभी भी किसी की जगह नहीं छीनते हो, आप अपनी जगह बनाते हो। क्या रणबीर सिंह के आने से शाहरुख खान को कोई दिक्कत हो गई क्या? नहीं, वो भी चलेगा। राजकुमार राव आया, आयुष्मान खुराना आया, तो क्या रणबीर सिंह को प्रॉब्लम है? नहीं, उनकी अपनी जगह बन गई। यहां पर जितने टैलेंटेड लोग आते जाएंगे उनकी जगह बनती जाएगी। इसलिए इससे सर्टेन फील्ड कोई नहीं है, इससे सेफ कोई नहीं है, लेकिन इसके लिए दो चीजें चाहिए होंगी। आपको अंदर टैलेंट होना चाहिए, मतलब परफॉर्मिंग अच्छी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस आप कर पाओ, कैमरा फियर ना हो, प्रॉपर इमोशन की अंडरस्टैंडिंग हो, और आपकी अप्रोच रुके नहीं, उसमें रेगुलर आप जाओ। अप्रोच क्या आपकी? ऑडिशंस, प्रोडक्शन हाउसेस, डायरेक्टर्स, जितने भी लोग आपको ढूंढ रहे हैं, आपको लोग ढूंढ रहे हैं, राइट? तो आपको सीखना है। आपको लगता है मेरे को एक्टिंग नहीं आती, तो सीखना जरूरी है, ये आप खुद से सवाल पूछो, ठीक है? आपको लगता है मुझे आती है, आप डायरेक्ट ऑडिशन देना शुरू करो। ऑडिशन में लगता है कि नहीं यार नहीं हो पा रहा, मैं नर्वस हो गया था, मैं सही से नहीं बोल पाया, मैं फ्लैट बोल के आ गया, तो फिर हाँ आपको एक्टिंग सीखने की जरूरत है। अब आती है कि अफोर्ड कैसे करें, तो इसका पूरा का पूरा जवाब जॉइंट फिल्म्स एकेडमी ने हमेशा दिया, क्योंकि हमने उसी तरह से कोर्सेज डिजाइन किए कि जो जितनी फीस अफोर्ड कर सकता है वो उस तरह का कोर्स कर ले, और उस तरह के कोर्स से सीख के वो आगे बढ़ जाए लाइफ में। आज ऑनलाइन कोर्स का प्राइस है 3000 रुपीज, कौन अफोर्ड नहीं कर सकता? आपके पास फोन उससे महंगा ही होगा ना, तो फोन आपका डेली रूटीन में कितनी हेल्प कर रहा है आपकी कम्युनिकेशन का, लेकिन एक कोर्स कितनी हेल्प कर सकता है? बहुत ज्यादा। और ऐसा नहीं कि सीखा नहीं जा सकता, ऑनलाइन कोर्स से ही। एक वर्कशॉप में आई थी सोनिया, मुंबई वर्कशॉप जब हुआ था, वन डे बॉलीवुड करियर वर्कशॉप, और उन्होंने ऑनलाइन कोर्स लिया क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकती थी, दिल्ली की थी, और आपको जान के हैरानी होगी इस समय वो रेगुलर काम कर रही है, ये रिश्ता क्या कहलाता में कर रही है ना, बड़े बड़े सीरियल्स में काम कर रही है। तो उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 3000 और 500। 3500 में भी कोई वो जगह तक पहुंच सकता है अगर उसमें शिद्दत है। तो वो नहीं आ पाए, अफोर्ड कर पाओ, इसलिए तो जॉइंट फिल्म्स एकेडमी आया है कि अफोर्डेबल प्राइस में एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जा सके। क्लियर हुआ भैया? ठीक है, तो ये था आज का सेशन। इसमें जो सवाल पूछा गया है वो जवाब आपके लिए भी उतना ही जरूरी है। इस तरह के जवाब देने के लिए ही इस सेशन को हमने ऑर्गेनाइज किया है। आप भी अगर इसको अटेंड करना चाहते हैं मुंबई में जॉइंट फिल्म्स एकेडमी में, तो नीचे गूगल फॉर्म मैंने दिया हुआ है, उसको फिल कर दीजिए। जब भी हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिली है, अच्छा लगा है, तो लाइक जरूर कीजिएगा, और उसके साथ साथ इस वीडियो को कम से कम 3 से 5 लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएं, जो कि है कि कोई भी कहीं भी अगर फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहता है तो ना तो वो डरे ना उसका परिवार। I will join.